दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। ये मेरे पास एक्टिवा BS6 है, 125 है ये। और ये गाड़ी के अंदर समस्या क्या है, ये चाबी को मैंने चालू किया, ये चेक लाइट आया लेकिन चेक लाइट जा नहीं रहा है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। सेल्फ मार रहा हूँ, सेल्फ काम कर रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला BS6 गाड़ी है और चेक लाइट अगर चालू ही है तो पहला स्कैनर लगाना पड़ेगा, स्कैनर में फुल मालूम पड़ेगा क्या है, तो फिर सीधा अपन उसी स्टेप में पहुंच जाएंगे। और ऐसे चेक करते जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ खोलना पड़ेगा, लेकिन अभी स्कैनर लगाते फिर देखते हैं। दोस्तों ये मैंने खोल दिया और यहाँ पे पहला स्कैनर को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि BS6 गाड़ी है और लाइट अगर डायरेक्ट चालू है तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ है सेंसर में। इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, चाबी को ऑन करेंगे, यहाँ पे दिखा दो। अभी इसको इंटर किया और थोड़ा सा टाइम लेता है, एक फोल्ड दिखा रहा है इसके अंदर, ECU के अंदर। वापस इसको ओके किया हूँ, रीड कोड पे जाएंगे, करंट DTC पे जाएंगे और फोल्ड निकल के आ रहा है P0201, इंजेक्टर सर्किट ओपन, सिलेंडर 1 ओपन। का मतलब ऐसा खड़ी गाड़ी में तो कोई ओपन होगा नहीं, ओपन का मतलब खुला होता है। और बारिश का टाइम है हमारे इधर, तो हो सकता है चूहा भी काटा होगा। तो पहला देखते हैं, पहला बॉडी खोलते हैं। ये अभी बॉडी खोल रहा हूँ, बॉडी खोल के निकालते हैं। 125 है, दूसरे एक्टिवा में सेंटर में बोल्ट होता है, एक साइड में स्क्रू होता है, लेकिन 10 नंबर का यहाँ पे 2 बोल्ट है, 2 12 का है, 2 क्लिप है। और साइड में खोल के निकालते हैं फिर देखते हैं। ये निकालो बाहर। दोस्तों सब बोल्ट खोल दिया मैंने। ओहो, ये चूहा का काम है। इंजेक्टर सर्किट जो ओपन दिखा रहा था ये पूरा ऐसा काट दिया हुआ है और एकदम जड़ से काटा है। तो अभी इसको सोल्डिंग तो होगा नहीं, ये सॉकेट ही डालना पड़ेगा। ये एकदम जड़ से काटा हुआ है, चूहा का काम है ये। अभी इसको पहला निकालते हैं। दोस्तों अभी इसको टेप को यहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, और टेप को निकाल के और इसको क्लिप को जॉइंट करेंगे। दोस्तों सॉकेट में लेके आया, लेकिन इस सॉकेट के अंदर वायर अलग होता है, लेकिन मैंने जूने दूसरे गाड़ी के वायर में देखा हूँ कि वाइट वाला जो वायर है, वाइट पेलो है, ये ब्लैक में आएगा, बैटरी का वोल्टेज आएगा। और ये ब्लैक पे वाइट है, इस गाड़ी के अंदर बैटरी का वोल्टेज आता है जब ही चाबी ऑन करेंगे। यही सब जगह पे जाता है, इंजेक्टर पे भी जाता है, ST कोयल पे भी जाता है, इधर बाजू में ISCB वॉल के अंदर भी है, कई जगह पे जाता है। तो इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे और बाद में टेप मारेंगे। दोस्तों ये सॉकेट मैंने जॉइंट कर लिया और सॉकेट रेडीमेड मिलता है, इसके लिए पूरा वायरिंग डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी गाड़ी स्टार्ट करके चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बात इसका लाइट का है, तो होंडा की गाड़ी है, अपने आप चले भी जाएगा और नहीं भी जाएगा तो अपने पास स्कैनर है, इसको लाइट को हटा देते हैं। तो अभी यहाँ पे स्कैनर कनेक्ट करते हैं। स्कैनर को मैंने कनेक्ट कर दिया, चाबी को ऑन करूँगा और ये ओके किया। अभी ये प्रोसेसिंग में चालू है, अभी भी फोल्ड दिखा रहा है, वही फोल्ड होगा इंजेक्टर का ही, लेकिन देखते हैं अभी क्या है। रीड कोड पे गए, करंट DTC पे गए और वही दिखा रहा है, इंजेक्टर सर्किट ओपन, सिलेंडर 1, P0201। तो इसको अभी कोड को इरेज कर देंगे, क्योंकि गाड़ी का वायरिंग हम लोगों ने जॉइंट कर दिया। इरेज कोड पे जाएंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे अभी ये क्लियर हो गया। अभी चाबी को बंद किया हूँ, चाबी चालू किया, सेल्फ मारा, गाड़ी चालू हुआ और लाइट भी चला गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।